गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग टोटो मैरिज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है मैक्सिमम इनॉलिक कंसंट्रेशन के, मतलब कि उसके ऑर्डर में हमको इन्हें अरेंज करना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो सबसे ज़्यादा इनॉलिक फॉर्म देगा उसको पहले, फिर उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्राई करिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे CH2CHO है, यहाँ पे भी CH2CHO है, और ये हैं प्रॉब्लम्स आपकी। और आप बताइए कि इसमें से कौन ज़्यादा इनॉलिक कंसंट्रेशन देगा, ये देगा या ये देगा। तो अगर हमने आपको बताया था कि इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक H प्लस यहाँ से जो अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, उसको रिमूव करिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे रिमूव किया तो क्या हुआ, CH2- एंड CHO, ठीक है, ऐसे है। अब देखिए ये ग्रुप क्या करेगा, दिस ग्रुप, एक तो ये प्लस R इफेक्ट देता है, यहां पे माइनस चार्ज है, ये प्लस R इफेक्ट करता है, इसका मतलब इट विल पुश इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये ऑर्थो पोजिशन पे है या पैरा पोजिशन पे है तो कहां कहां इसका इफेक्ट इज मैक्सिमम, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पे। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ माइनस आएगा। तो माइनस मतलब यहाँ माइनस, और यहाँ भी अगर माइनस आ रहा है तो ये अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो इस पोजीशन से जो OCH3 ग्रुप है, बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट, इट इज डीस्टेबलाइजिंग। लेकिन जो OCH3 पे ग्रुप लगा हुआ है, ये भी देखिए आप, यहां माइनस लाएगा, यहां माइनस लाएगा, और पैरा पे भी माइनस लाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डिस्टेबलाइजिंग दिस, यानी कि प्लस आर इफेक्ट से हमें कोई भी फायदा यहां नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों में इक्वल ही प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। इसलिए आई कैन नॉट डिसाइड just because of the plus R effect of OCH3. And if you don't know what is plus R effect, then you must better watch first general organic chemistry lectures. Then only you try to look into the lectures of isomers, because we require the knowledge of general organic chemistry for watching this playlist. अब यहाँ पर देखिए, this has been already done here. अब देखिए, आप सोचिए कि OCH3 और कौन सा effect यहां पे लगाता है। तो OCH3 यहां पे माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट, और यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, बिकॉज प्लस आर तो न्यूट्रलाइज हो गया, बिकॉज बोथ वर शोइंग द सेम इफेक्ट ऑफ प्लस आर इफेक्ट, एंड माइनस आई इफेक्ट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। तो जिसके अंदर ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड दैट विल बी अवर आंसर। तो यहां पर आप देखिए कि माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज वेरी क्लोज टू ऑर्थो पोजिशन, जबकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये पैरा से काफी दूर है, तो माइनस आई इफेक्ट विल बी मोर इन दिस ऑर्थो, जबकि पैरा में दिस विल बी लेस। सो आई कैन से मैक्सिमम इनॉलिक कैरेक्टर और कंसेंट्रेशन बेसिक मीडियम विल बी फॉर ए ऑप्शन। सो ए इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने क्या बताया आपको, एक प्लस आर इफेक्ट है और एक माइनस आई इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट हमेशा माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है, लेकिन दोनों के लिए इक्वल था प्लस आर इफेक्ट, इसलिए उससे बात नहीं बनी। देन वी मूव्ड ऑन टू माइनस आई इफेक्ट, एंड माइनस आई इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, कि जहां से उसको चार्ज लेना है उससे कितनी दूरी पे। यहाँ पे एक कार्बन एटम का डिफरेंस है उनके, यहाँ पे ज्यादा कार्बन का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पर इनॉलिक कंसेंट्रेशन ऑफ ए विल बी मोर देन बी। अब यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में,
अब यहां पर क्या होगा, देखिए जब हम यहां पे अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये वाला होगा, यहाँ पे ये वाला होगा, एंड दिस इज इजी वन, यू मस्ट बी एबल टू डू दिस। यहाँ या यहाँ बात देखी है, ठीक। अब आप सोचिए कि कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज हो। यहाँ देखिए ये जो माइनस चार्ज है ये तीन ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस करेगा, यानी डीलोकलाइजेशन विल बी ऑन थ्री ऑक्सीजन एटम्स, बिकॉज सी डबल बॉन्ड सिंगल एंड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल एंड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल एंड चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल एंड चार्ज, तो तीनों ही इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं, जिसके कारण दिस माइनस विल बी डीलोकलाइज्ड इन थ्री ऑक्सीजन, सो बी इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल, बिकॉज ये जो माइनस है ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है। अब नाउ यू आर व्हेन यू आर लुकिंग इनटू ए, आप देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन के साथ इसका डिस्पर्जन होगा, देन इट विल बी देयर, एंड आफ्टर दैट इट कम सी, बिकॉज एक ही ऑक्सीजन में इस चार्ज का डिस्पर्जन हो पाएगा, इसलिए दिस इज द लास्ट वन। लेट्स लुक मोर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमें रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स लिखने हैं, और ये आप देख रहे हैं कि दे आर कीटो फॉर्म, इसका मतलब हमें इनका इनॉल फॉर्म लिखना है। तो इनॉल फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखेंगे कि आखिर कौन से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अच्छा मैं लास्ट ये बता दूं कि लास्ट प्रॉब्लम में मैंने ऐसे सी एच टू माइनस लिख दिया था, वहां पर सी एच माइनस होगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। तो यहां पर देखिए ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, अगर यहां पे माइनस लगता है या यहां पे माइनस लगता है, अब हमें ये देखना है कि कौन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप देखिए यहां जो ये सी एच थ्री है ये इलेक्ट्रॉन और इसको देगा प्लस आई एफ एक्स से, तो इससे क्या होगा, ये डी स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहां पर माइनस चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब यहां माइनस चार्ज है, अगर यहां माइनस चार्ज आएगा तो यहां पर हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये ओ एच हो जाएगा। ओ आई एम डूइंग लाइक दिस, इधर करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी यहां ओ एच हो जाएगा एंड दिस विल बी डबल। तो समझे आप कि क्या देखना है, तो अब ट्राई करिए आप क्वेश्चन कि कैसे होगा, आई होप यू हैव डन दैट। अब यहां देखिए क्या मैंने बोला आपसे कि आप यहां दोनों अल्फा कार्बन पे माइनस रख के देखिए और देखिए कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, विच वेर इज स्टेबलाइज, तो अब उस तरह प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे यहां देखिए या तो यहां माइनस करिए या यहां माइनस, फिर से वही बात है, ये सी एस थ्री भी पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये सी एस थ्री भी पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब प्रोडक्ट कहां बनेगा, दिस विल बी ओ एच और यहां पर डबल बॉन्ड, क्लियर है। यहां ये इसी तरीके से देखिए यहां पर पुश करेगा यहां पर, तो आप देखेंगे यहां क्या है, ये सी एस थ्री पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, सो वी शुड नॉट गो दैट साइड, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। यहां देखिए यहां पर माइनस आप लगाएंगे यहां पर, लेकिन पीएच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा फिनाइल ग्रुप यहां से, तो दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज यहां पे रेजोनेंस भी हो जाएगा इसके साथ इसका, ठीक है, तो विच वन, यहां पे आप ओ एच बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ओ एच और ये डबल बॉन्ड यहां यहां पर पीएच फिनाइल, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। नाउ लेट्स लर्न द मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम, कि एसिडिक मीडियम में कैसे जो है इनोलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट है HA, ठीक, जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3 सब में ही H है, और ये H जो है HA, अगर ये टूटेगा तो H प्लस A माइनस, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, पता ही है आपको। अब यहां देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब पहले आप देखिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो बेस में बना था इसके लिए, तो C ओ एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक।
अब देखिए क्या होगा, अब इसका मैकेनिक्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट आपको पता ही है, मैकेनिक्स देखिए, यहां से जो एसिड था हमारा सोल्यूशन के अंदर वो एच प्लस होगा उसके पास, तो एच प्लस जो है अटैक करेगा यहां पर, यहां लोन पेयर है ना इसके पास, तो बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यहां लोन पेयर है तो कैसे एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। सो दिस विल बी एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं दे आर वेरी फास्ट, तो ये बहुत जल्दी ऐसे फास्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहां पर, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, और इसको मैं लिख देता हूं ऐसे सी एच टू एच, ठीक है। तो एच प्लस तो यहां आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि ए माइनस आएगा, ए माइनस यहां एच ए बनाने की कोशिश करेगा, और ये इधर एंड ये इधर, तो ये सर से जाएगा ना, जब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, ठीक। और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो ऑक्सीजन को दे देगा, और यहां से फिर क्या होगा, एच प्लस निकल जाएगा। तो ये स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो मेन स्टेप है, क्योंकि सी एच थ्री ये डबल ये जब देगा यहाँ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, और जब इसने यहाँ दिया था तो यहाँ पर ये सी एच टू आ गया, ठीक, और एच ए फिर से बन जाएगा, क्लियर। तो यहां आप देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने देखा कि एनायन नहीं बना, यहां पे क्या बना, एल्कीन। तो एल्कीन मेजर यहां पे, यानी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हमको यहां पर देखने पड़ी। और ये जब जिस स्टेप में एल्कीन बना है, एल्कीन बना है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लोएस्ट स्टेप, बिकॉज दिस इज एसिड बेस वाला स्टेप, एंड एसिड बेस स्टेप इज द फास्टेस्ट स्टेप। वो फास्ट होता बिकॉज वहां पे प्लस एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट, जबकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, ये वाला होगा जिसमें कॉन्जुगेट बेस अटैक कर रहा है, क्लियर। तो अब क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, इन एसिडिक मीडियम इनॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय स्टेबल एल्कीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम लोग, वी ऑलरेडी स्टडीड इन हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, तो दो तरीके होते हैं, तो देखेंगे जहां पे जो भी इफेक्ट यहाँ पे लग रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल बी चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, अब हमें इन प्रोडक्ट्स को बनाना है इनॉल फॉर्म को। तो यहाँ देखिए आप, एसिडिक मीडियम में हमने बताया आपको कि स्टेबिलिटी को चेक करते किसकी, एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करते। तो देखिए अगर यहां बनेगा प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ सी एस थ्री लगा हुआ है, थ्री अल्फा हाइड्रोजन एंड थ्री, तो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो केवल दो अल्फा हाइड्रोजन है सके, देखिए यहाँ पर अगर ऐसे बना ये, तो ये सी एस थ्री है और ये सी एस थ्री है, तो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, जबकि अगर यहाँ बन गया तो इससे अल्फा कार्बन ये है, इसमें दो ही हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे सी एच टू, तो यहाँ दो है और यहाँ पे छह हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से बना। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ अगर हमने डबल बॉन्ड लगाया तो तीन तीन छह तीन नौ, यानी नाइन अल्फा हाइड्रोजन विल बी देयर, जबकि यहाँ करेंगे तो एक ही बच रहा है, तो कौन सा स्टेबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहां ये OH, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। इसमें देखिए कहां बनेगा, इसमें भी सिमिलरली अगर यहां बनाएंगे ये यहां बनाएंगे तो देखिए यहां सी एस थ्री आ रहा है, ठीक है, तो इट विल बी मोर स्टेबल, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर थ्री अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर दो है, तो फाइव अल्फा हाइड्रोजन हो गए, जबकि यहां जाएंगे आप, ठीक, यहां जाएंगे तो आपको
केवल कितने अल्फा हाइड्रोजन, वन यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको टू थ्री मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखिए फोर्थ वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, फोर्थ वाले प्रोडक्ट में रेजोनेंस होगा। देखिए बना के दिखाते हैं, लास्ट जब बेसिक मीडियम से भी कर रहे थे तो यही क्वेश्चंस थे, वहां पे प्रोडक्ट अलग बन रहे थे, लेकिन इस केस में प्रोडक्ट विल बी सेम क्योंकि ये फिनाइल है, ठीक है। तो कहां बनेगा, यहां, क्योंकि देखो डबल सिंगल डबल, ठीक है, और ये OH, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा, क्लियर है, बिकॉज इधर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे टॉटोमेरिज के, तब तक के लिए बाय।